भारतीय क्रिकेट फैंस को नवंबर के महीने में अपनी सरजमी पर तीन विदेशी टीमों के मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। ये टीमें नवंबर में भारत में दो इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी। 3 नवंबर को जहां बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज होगा, तो वहीं 6 नवंबर को वेस्टइंडीज की टीम अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज में उतरेगी। इन तीन विदेशी टीमों में एक की मेजबानी भारत करेगा, जबकि दूसरे की मेजबानी अफगानिस्तान करेगा। वैसे इससे पहले भी अफगानिस्तान भारत में बांग्लादेश और आयरलैंड की टीमों की मेजबानी कर चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम 3 वनडे, 3 T20 और एक टेस्ट मैच खेलेगी। अफगानिस्तान वेस्टइंडीज मुकाबलों की शुरुआत T20 सीरीज से होगी, जहां पहले 3 T20 मुकाबले 5, 7 और 9 नवंबर को होंगे। वनडे सीरीज के 3 मैच 13, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि सीरीज का एकमात्र टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाएगा। वहीं इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीरीज भी आयोजित की जाएगी। इस सीरीज का पहला T20 मैच 3 नवंबर को दिल्ली में, दूसरा 6 नवंबर को राजकोट में और तीसरा 10 नवंबर को नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज होगी, जहां पहला टेस्ट इंदौर में 14 से 18 नवंबर तक और दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर तक कोलकाता में खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।